जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए संदार से वैकेंसी अपडेट में। मैं अमरेंद्र यादव आप सबका मस्ट वेलकम करता हूं। आज के संदार से सेशन में आपको हम यूपी पुलिस वैकेंसी 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और ये वैकेंसी पिछले 6 साल के बाद आई है, क्योंकि आपको बताते चलें कि लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। 2018 के बाद से यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली थी। अब आपको बड़ी संख्या हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतनी वैकेंसी 60,244 पदों पर इससे पहले कभी भी पुलिस की किसी भी राज्य की बात कर ले आप, यूपी को तो आप छोड़ ही दीजिए, किसी भी पूरे भारत में हम बोल रहे हैं, किसी भी राज्य में राज्य पुलिस की वैकेंसी आपको इतनी नहीं आई थी। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों, और आपके पास शानदार मौका है। जो यूपी वाले हैं उनको तो शानदार मौका है ही, आप यूपी से नहीं हैं फिर भी आपके पास शानदार मौका है, क्योंकि आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप अगर योग्यता रखते हैं तो। लेकिन इस वैकेंसी की थोड़ी सी दुखद बात यह है कि इसमें एज को लेकर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। हालांकि ये वैकेंसी लंबे समय के बाद से आई थी, तो जैसा उम्मीद था, और बीच में कोरोना भी आया था जिसके चलते आपको काफी वैकेंसी डिले हुई थी, तो तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए वैकेंसी तो आई है, लेकिन विद्यार्थियों की परेशानियों को या फिर जो है उम्र सीमा को लेकर जो एक्स्ट्रा छूट मिलने के कयास लगाए जा रहे थे वो यहां पर नहीं मिल रहे हैं। चलिए आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, सारा चीज आपको समझाएंगे और A to Z जानकारी बताने के बाद से आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे। देखिए दोस्तों, हमने पहले लिख रखा है कि 18 के बाद 2023 में बंपर वैकेंसी, टोटल 60,244 पद पर ही वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई का स्टार्ट हो रहा है 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 16 जनवरी 2024 तक आपको फॉर्म भरने का प्रक्रिया चलेगा, यानी कि लगभग आपके पास 20 दिन का समय मिल रहा है। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय में सर्वर डाउन हो जाता है, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आप 12th पास आउट हैं, वो आपने साइंस पढ़ा हो, आर्ट्स पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, बस आपको जो है 12th पास होना चाहिए तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन के मामले में एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात कर लें तो देखिए, आपका एज काउंट होगा 1 जुलाई 2023 से, क्योंकि जुलाई में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो एज आपका काउंट होगा 1 जुलाई 2023 से। और एज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल से हो या फिर आप EWS कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 22 वर्ष। हम यहां पर मेल की बात कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं, 18 से 22 वर्ष आपका एज लिमिट मेल के लिए है। वही अगर हम जनरल में फीमेल की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष एज यहां पर रखा गया है। हम जनरल कैटेगरी के फीमेल की हमने यहां पर एज लिमिट की बात की है। नो एक्स्ट्रा छूट, देखिए हम यहां पर लिख रखे हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा छूट यहां पर नहीं मिल रहा है। लंबे समय के गैप के बाद से वैकेंसी आई है, एक्स्ट्रा छूट आपको देना चाहिए था, लेकिन यहां पर विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दिया गया है। अब आप ओबीसी से हैं, तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में। SC ST से हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि ओबीसी और SC ST वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एज लिमिट आप देखेंगे तो 18 से हो जाएगा आपका, आपको जो कितना हो जाएगा 22 और 5 हो जाएगा 27 वर्ष, 27 वर्ष आपका एज लिमिट हो जाएगा। क्लियर? तो एज लिमिट की अगर हम बात कर लिए तो यहां पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो देखिए सबके लिए फॉर्म
फिलअप करने के लिए चार्ज रखा गया है ₹400 सभी के लिए है। यहाँ पर किसी की डिग्री वाइज कोई भेदभाव नहीं है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सबको आपको ₹400 देने होंगे। आप अगर फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो जो करेक्शन का डेट है वो 18 जनवरी आपको जो है यहाँ पर दिया गया 18 जनवरी 2024 करेक्शन आप करा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि गड़बड़ी ना हो, बाय द वे गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पर डेट आपको मेंशन किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए सिलेक्शन आपका प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा, क्योंकि पुलिस की नौकरी है तो फिजिकल तो इसमें एकदम मैंडेटरी है, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आपके सिलेक्शन के फेज हैं, रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपके पास शानदार मौका है और आपका जो मेरिट बनेगा ना वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगा, मेरिट आपका रिटन एग्जाम की बेस पर बनेगा। तो आपको प्रयास करना है कि जितना बेहतर परफॉर्मेंस हो सके उतना बेहतर परफॉर्मेंस करना है, और अभी आपके पास एसएससी जीडी की वैकेंसी भी है तो वहां पर भी तो आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम अभी सिलेबस पर आएंगे, एग्जाम पैटर्न पर आएंगे। जो आप अभी एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं बस उसी में थोड़ा सा एड ऑन करना है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को बूस्ट करना है। देखिएगा रिटन एग्जाम की हम बात करते हैं तो देखिए ये ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट आपको मिलेगा और उसी पर आपको एग्जाम देना होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, इसी के बेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। 2 घंटे इसमें समय मिलेंगे और 1/4 निगेटिव होगा। 1/4 निगेटिव का मतलब ये हुआ कि आप ये गलती करेंगे तो आपका 0.50 नंबर आपका कट जाएगा, मतलब हाफ नंबर आपका एक ही गलती पर कटने वाला है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, देखिए रीजनिंग के 55 क्वेश्चन होंगे, मैथ के, जीके के 37 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 21 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स और मेरिट इसी के बेस पर बनेगा। जैसे आप बिहार वगैरह में एग्जाम देते हैं पुलिस का ना, तो वहां पर क्या होता है कि मेरिट आपके फिजिकल पर बनता है, रिटेन केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट यहां पर क्या है कि मेरिट आपके रिटेन के बेस पर बनेगा, फिजिकल को आपको क्वालिफाई करना होगा। क्लियर, फिजिकल टेस्ट में क्या है, तो देखिए फिजिकल में आपका पीएसटी और ये पीईटी दो चीजें होती हैं, यानी कि आपका हाइट वगैरह भी मेजर किया जाएगा, आपको दौड़ाया भी जाएगा। तो हाइट देखिए मेल की बात कर लें तो 168 सेंटीमीटर आपको मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम होनी चाहिए, फीमेल में आपको 152 सेंटीमीटर, एसटी के डिग्री के लिए आपको 147 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट आपको बिना फुलाए मेल में 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलने के बाद से कम 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। चेस्ट की क्राइटेरिया फीमेल की कोई नहीं होती। यहाँ पर रनिंग की बात कर लें तो 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की दौड़ है, 25 मिनट में पूरा करना है। देखिए जो एसएससी जीडी है उसमें आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 5 किलोमीटर, बट यहाँ पे क्या है 4.8 किलोमीटर, यानी कि एसएससी जीडी से 200 मीटर कम आपको दौड़ना है, टाइम आपका उतना ही है। क्लियर, तो वही बिल्कुल सेम चीज है। लड़कियों के लिए दौड़ कितनी है तो 2.4 किलोमीटर मतलब कि 2400 मीटर की दौड़ है, 14 मिनट आपको टाइम मिलेगा, मैक्सिमम ये टाइम है, इतना आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा। क्लियर, अब अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो देखिए आपको एकदम क्लियर कट बता दें कि आप किसी भी राज्य से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको अपने राज्य में जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है वो यहां पर नहीं मिलेगा, आप यहां पे जनरल में ही काउंट होंगे। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना तो आप जो है ना यू आर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जनरल में काउंट होंगे। क्लियर, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या यहां पे 10% जो टोटल वैकेंसी है उसी पर हमको फाइट करना पड़ेगा, अगर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या टोटल वैकेंसी का 10% पर हम फाइट करेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जो है जनरल में टोटल 24,102 पदों पर वैकेंसी है तो आप इस पूरे इस सीट पर फाइट कीजिएगा, 10% नहीं, जनरल का जो सीट है ना
उस सीट पर आप फाइट करने वाले हैं। और ये 24,102 वैकेंसी कम नहीं होती है। आप किसी भी राज्य से हैं तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है। वैकेंसी की संख्या भी ज्यादा है। बिहार को भी देख लीजिए, 21,400 वैकेंसी आई थी पूरे बिहार में, ठीक है। तो वहां पर आप फाइट कर रहे हैं ना बिहार वाले, तो उसी तरीके से यहां पर देखिए 24,102 जो कि बिहार में जो वैकेंसी आई थी उससे भी ज्यादा है। तो आप जनरल में है तो आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी उसी का 10%, ऐसा नहीं है। टोटल जो जनरल का सीट है उस पर आप फाइट कीजिएगा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो, समझ गए। तो आप निश्चिंत होके फॉर्म भरिए, अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? तो एग्जाम सेंटर आपको यूपी में ही होगा भाई साहब, यूपी में ही आपको होने वाला है एग्जाम सेंटर, जहां पर भी आपको दिया जाए। इन हैंड सैलरी क्या होगी? तो देखिए सैलरी स्टार्टिंग में आपको 30K मतलब कि 30,000 आपको मिलेगा, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, मतलब कि 1-2 साल बीतेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, और आने वाले 2-3 साल में आपकी सैलरी लगभग 40K के आसपास चली जाएगी। तो सैलरी के मामले में बहुत अच्छी चीज यहां पर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दबा के एकदम वैकेंसी है दोस्तों, आपके पास बढ़िया मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और चलिए फिर से मिलते हैं एक नए से शानदार से फिर अपडेट में आपके सामने, फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय।